क्वेश्चन नंबर 49। अ पार्टिकल्स, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आज भी चांसेस होते हैं तुम लोग को। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो, एंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द स्पेस एंड द एवरेज वेलोसिटी, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, द रेशियो ऑफ द स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो होता है क्या समझा रहा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 49, वेलोसिटी स्पेस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेस एवरेज वेलोसिटी v इंटू ds, ds फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस समझने की कोशिश करो, इसको बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी। और एक दूसरा होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का साइन लगा देते हैं, एवरेज का साइन मैंने बताया था कैसे लगाते हैं, हाँ ये टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है v इंटू डी टी अपॉन डी टी, एक्चुअली एवरेज निकालने का मेथड होता है जब कोई चीज वेरी करती है, तो ये स्पेस मतलब डिस्प्लेसमेंट लिया गया, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें टाइम मतलब यहां पर टाइम लिया गया टी, तो पूरे वेलोसिटी को इंटीग्रेट मतलब कैलकुलेट किया गया ओवर वेलोसिटीज, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड फॉर डिस्टेंस एस अपॉन डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर टाइम टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इससे एवरेज मिलता है, ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करो ओवर अ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, यू गेट द एवरेज, वेलोसिटी कैलकुलेटेड फॉर ओवर अ टाइम टी डिवाइडेड बाय ओवर टोटल टाइम, यू विल गेट द वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये इसको स्पेस एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, इसको टाइम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, और उसने दिया क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब आप कहेंगे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो फॉर्मूले तो बहुत सारे यूज कर सकते हो, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम यारा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है, या फिर हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक सेकेंड तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ एक काम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, रुको, हम क्या करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम लाते हैं, ठीक है, तो इनिशियल है जीरो प्लस ए टी, स्क्वायर बाय टू, हाँ ठीक है, चलो ये v की वैल्यू हम लोग यहां पर रखते हैं, इस वाले में रखते हैं, v वाले में, सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में रखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा v की जगह क्या रख देंगे, एटी, v की जगह बेटा हम एटी रख देंगे, v की जगह एटी रख देंगे ना, तो v इज इक्वल टू एटी आ गया, देखो यहां पर, हाँ v की जगह एटी रख देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे डी टी, अच्छा ए बार आ जाएगा, ये रह जाएगा टी इंटू डी टी, और नीचे आ जाएगा दैट इज वन इंटू डी टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसकी पावर वन है तो क्या होगा, टी स्क्वायर बाय बाय टू टू, और नीचे वन है तो वन का टी बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी बाय टू ना, तो ये टाइम एवरेज वेलोसिटी मिल गया, हाँ अब तुमको चाहिए स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, ये डीएस को, ये तो 80 बाय 2 मिल गया, अच्छा इसको कैसे लाएंगे, एक मिनट,
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट दिस हियर, तो ये हो जाएगा वी डीएस की जगह क्या रखेंगे, वी इंटू डी टी, और नीचे डीएस की जगह क्या रखेंगे, वी इंटू डी टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी टी और नीचे हो जाएगा वी इंटू डी. ठीक है, अब हमने हाँ फिर अब हम ये रख देंगे वी की वैल्यू 80 रख देंगे. तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी इज इक्वल 80, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ जाएगा वी इज इक्वल टू 80 इंटू डी टी. ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ए कैंसिल कर दो ना, ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ए बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, ए तो कैंसिल हो चुका, ये नीचे आएगा टी इंटू डी टी. इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2, तो ये टी स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 टी बाय 3 आ गया. ठीक है, दोनों निकल गए. अब अगर दोनों का रेशियो लेंगे, आई एम टेकिंग रेशियो हियर, टेकिंग रेशियो, रेशियो ले लो, तो हम स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो लेंगे, तो वो कितना आया था बेटा, 80 बाय 2 आया था. स्पेस वाला नहीं, स्पेस ऊपर 280 बाय, हाँ ये ऊपर आएगा, यस करेक्ट, थैंक यू, 280 बाय 3, और ये वाला आ जाएगा 80 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बाय 3. इज इट क्लियर, ये कॉम्पिटिटिव में आ चुका है, पहले ये आया था इंजीनियरिंग में, फिर मेंस में आया, मेडिकल में एक बार आया था, तो ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि जब तक आपको प्रॉपर एक बार किया नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा फिर आपसे. ठीक है, याद करके चले जाना रिजल्ट, तो भी चलेगा 4 बाय 3, स्पेस अपॉन टाइम 4 बाय 3 होता है, तो मैंने मेथड बता दिया कैसे करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी v की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी थी 80, कॉपी कर लीजिए इसको, दिस वन, सो कैन यू प्लीज वन शो द क्वेश्चन, आप पहले सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ. ठीक है, यस सर, ओके अंकित, नो प्रॉब्लम. अच्छा, काफी लोग दिवाली में अपने घर वगैरह जा रहे होंगे, रस्ते में होंगे, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, जर्नी में बहुत से बच्चे हैं. एक्चुअली मेरा लैपटॉप खराब हो गया था बेटा, इस वजह से मैं 2 दिन लेक्चर नहीं ले पाया था, वो भी लैपटॉप ठीक हुआ तो मैंने स्टार्ट किया. सर, हाँ बेटा बोलो. कुड यू, आई मीन दिस इज इररिलेवेंट टू आवर lecture, but could you just confirm at which date our holidays will start? It will be posted just within, wait for 10 minutes, it will be posted today. Just okay, wait. So because yeah, the our IT sir gave us an idea, so I just wanted to confirm it. IT sir, you have a lecture, IT lecture, at what time? So we had it in the morning for like 20 or 30 minutes at 10. Okay. ओके रुको, मैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं प्रॉब्लम बेटा, कुछ तो कर लेते हैं ना. आई नो थोड़ा सा शेड्यूल इन टाइम नहीं है.
Third one, a body moves in a straight line along the x-axis. X is given. The average velocity during the time interval, that is z time is equal to 0 to time is equal to 1 second. Average kaise nikalenge aap? Velocity chahiye. So question number 3. Average velocity, question number 3. 7 kar chuke hain hum log. Question number 3. X is equal to 8t minus 3t square. So velocity kya ho jayega? Take the derivative dx by dt. T ka 1 ho jayega, it becomes 8. 2 will multiply minus 6t 1. Average velocity when time is equal to 0 and time is equal to 1. So put time is equal to 0. So velocity will be 8. When time is equal to 1, velocity will be 2, na? Yes, sir. So average velocity kya hai? 8 plus 2 divided by 2. अच्छा एक मिनट देखो, वैसे निकाल के देखे तो चलता है क्या? अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5. वैसे भी निकाल सकता था ना, जैसे हम लोग ने उसको निकाला था वैसे भी कर सकते हैं, और करके लिख रहे हैं. v into dt integration of dt, टाइम रख देंगे दैट इज 0 टू 1. तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 8t. 8 minus 60 dt. नीचे तो आ जाएगा that is t. ऐसे भी करके देखते हैं, करके देख रहा हूँ, ठीक है? देख आंसर सेम आना चाहिए. वो मैं करके देखता हूँ, पर ठीक है, let me do it. Equal to v की वैल्यू रखेंगे तो it become 8 minus 60 dt. और यहाँ पे तो dt 0 to 1 0 to 1, 8 का क्या होगा? 8t. 6 का क्या होगा? 6 का पावर t की और 1 t square by 2 0 to 1. यहाँ पे 1 का t बनेगा 0 to 1. अपर माइनस लोअर रखेंगे तो 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा. अपर माइनस लोअर रखेंगे तो हाँ, तो ये नीचे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ऊपर रखेंगे 1 रखेंगे तो 8 माइनस हाँ 5 आ रहा है. यस सर, 5 का अपॉन 1 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 5. दोनों तरीके से आता है, ऐसे भी आ जाता है वैसे भी आ जाता है, ठीक है? इट्स अ टू मेथड्स, आप कोई भी मेथड कर सकते हैं. ये भी एवरेज निकालने का मेथड मैंने बताया, आज ही बताया है, ठीक है? तो वो द मेथड यू कैन ट्राई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों मेथड समझ में आए?
हो गया? यस सर। तो ये नया मेथड सीखा जब एवरेज निकालने का इंटीग्रेट करके, या फिर वाला मेथड भी ठीक है। फोर्थ पे आइए ना, फोर्थ फोर्थ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ बहुत बार आ चुका है इन ऑल द एग्जामिनेशन, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंस्टेंट ही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज एक्स एंड वाई, दो दे रहा, एक एक्स दे रखा है ए टी स्क्वायर और एक वाई दे रखा है बी टी स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी, देखो एक्स और वाई दो दे रखा है तो तुमको दोनों निकालना पड़ेगा, एक्स वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी। तो टू विल कम हियर 280 और ये y मिलेगा दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। वाई का भी निकालना पड़ेगा, डी वाई बाय डी, तो टू विल मल्टीप्लाई हियर इज इक्वल टू बी डी वन। तो दो वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अच्छा, एक एक्स में जा रहा है और दूसरा वाई में जा रहा है, दूसरा वाई में जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यू हैव टू ड्रॉ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आएगा? इट विल कम हियर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये वाई है तो फिर ये भी क्या होगा? ये भी वाई होगा, ये भी एक्स है तो ये भी वी एक्स होगा। तो टेक दिस ट्रायंगल, यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो वी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x component square plus y component square, Pythagoras theorem। तो ये हो जाएगा 280 whole square plus 2pt whole square। तो 2 और t बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? a square plus b square। देखो just see this question, इसका कोई solution है? just check it, देखो समझ में आ रहा है क्या? Have understood this question? Done, sir. Okay. Now, completed, sir. Six wale pe ho. Six one. The displacement of the particle is given. Six. S is equal to b q by t. Minus t square plus t. The velocity and the displacement when acceleration is zero. So, पहले velocity निकालो.
तो वेलोसिटी क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थ्री विल कम हियर, तो थ्री टी स्क्वायर बाय थ्री, टू विल कम हियर, माइनस टू टी, वन विल कम हियर, प्लस वन, टी पावर कम होता जाता है, ठीक है, तो चला जाता है, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर, दिस विल कम, velocity is equal to t square minus 2t plus 1. ये हो गया velocity. Now come to the acceleration. Acceleration is velocity upon time. So this will come here. It become 2t. T1 will come here. It become minus 2. And 1 is 0. The acceleration will be 2t minus 2. So what the question is? You have to find the velocity and the displacement when acceleration is zero. So put acceleration zero. So 2t minus 2 is equal to zero. So t is equal to 1. You have to find the displacement. Displacement is equal to 1 cubed by 3 minus 1 square plus 1. You'll get something. And velocity is equal to velocity का फॉर्मूला क्या है, t square, 1 square minus 2 plus 1 is equal to क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, 1 by 3 इसमें आएगा, displacement is 1 by 3, sir, displacement 1 by 3 and velocity is 0. जीरो आएगा, velocity will become zero. Just check it, देखो अच्छे प्रॉब्लम समझ लो, difficult नहीं है, थोड़ा समझने वाला प्रॉब्लम है, just देखो जरा. So option A है. Option A नहीं, option A. अच्छा velocity and displacement, option A. Sequence change कर दिया, बड़ा ध्यान दो, velocity and displacement पूछा है. Done? Just a second, sir. Yes, sir. Completed. हो गया बेटा, स्क्रॉल करें. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट करके देखते हैं ना, प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी. क्वेश्चन नंबर 8, A body is moving under constant acceleration
is time 4 meter in third second and 12 meter in fifth second. So we'll apply the formula. S is equal to displacement converting nsecond is what? U plus a by 2 bracket by 2 and minus 1. 4 minus 1. So 4 meter in third second a by 2. 2 into 3 minus 1. Na? N is equal to 3. So 4 meter in third second. So 4 meter in third second. And fifth second it is 12 meter. So 12 is equal to U plus A by 2, 5. 2 into 5 minus 1. So see here. Agar N ki value 5 third hai, to usne jo displacement cover kiya, that is equal to 4 meter. अब जब n की वैल्यू फिफ्थ है थर्ड है ये फिफ्थ है तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया दैट इज इक्वल टू 12 मीटर तो रख दिया हमने दोनों को दो इक्वेशन बन गई थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा एक मिनट क्या आएगा 4 प्लस u 5 a by 2 नहीं प्लस 5 a by 2 और दूसरा वाला क्या आएगा दैट इज 12 प्लस नहीं प्लस कर दिया मैंने नॉट इक्वल टू इक्वल टू यू प्लस 5 टू 10 9 ए वाई टू ना यस सर ठीक है अब तुम्हें दो इक्वेशन हो गया दो अननोन हो गया साइन चेंज कर दो एक काम करो ग्रेटर माइनस स्मॉल करते हैं इसको ऊपर करते हैं इसको नीचे करते तो 12 इज इक्वल टू यू प्लस 9 ए वाई टू एक काम करते हैं 12 इज इक्वल टू यू प्लस 9 बाई 2 कितना होगा 4.5 ए और 4 इज इक्वल टू यू 5 बाई 2 कितना होगा 2.5 चेंज द साइन माइनस 8 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 2.5 कितना होगा 2 ना 2a a की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा अब हम किसी एक इक्वेशन को यूज कर लो तो 4 इज इक्वल टू u प्लस 2.5a तो 4 इज इक्वल टू u प्लस 2.5 a की वैल्यू कितनी आई 4 4 इज इक्वल टू u प्लस 2.5 10 तो u इज इक्वल टू माइनस 6 मिल गया अब क्या कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द नेक्स्ट 3 सेकंड क्या मतलब हो गया यू निकल गया ए निकल गया मतलब दिस इज यू हियर इट इज ए नाउ दे वांट व्हाट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब कौन सा बेटा नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब क्वेश्चन तो पढ़ो कौन से सेकंड के लिए बात कर रहा है नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब क्या सो 6 7 एंड 8 सेकंड 6, 7 and 8 सेकंड कैसे निकालेंगे अच्छा वैसे निकाल लो चलो यू आर राइट मतलब 6 टू 8 सेकंड ना यस सर 6 टू तो एक काम करो कैसे निकालेंगे अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6 सेकंड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 8 सेकंड हो जाएगा ये जो गैप होगा दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6 टू 8 सेकंड तो कैसे निकालेंगे हाँ एक काम करते हैं हम पहले निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 8 सेकंड इन 8 सेकंड क्या आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एक में s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाँ इन 8 सेकंड u की वैल्यू कितनी है माइनस 6 टाइम कितना लेंगे 8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 4 टाइम कितना है 8 स्क्वायर ये मिल जाएगा फिर होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन या डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स हो जाएगा दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू कितना माइनस 6 इंटू 6 प्लस हाफ एक्सलेशन इज 4 टाइम इज 6 स्क्वायर दोनों कितना आता है ये कितना आएगा पहला वाला
8 सेकंड में कितना आ रहा है और 6 सेकंड में कितना आ रहा है टोटल, 6 8 32 और ये कितना हो 8, एक मिनट रुको मुझे थोड़ा सा सर, 8 में 80 आ रहा है, 8 8 6 48 और प्लस 64 128 कितना आ रहा है पहला वाला 80 आ रहा है 80 मीटर और ये वाला कितना आ रहा है दैट इज माइनस 36 into 2 72 कितना आ रहा है ये 36 ना, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों का 8 और 36 44 34 34